प्रमुख सचिव पर्यटन व संस्कृति जितेंद्र कुमार, सीएम योगी के तीसरे दीपोत्सव की तैयारियों का जायजा। धार्मिक नगरी अयोध्या में होने वाले तीसरे दीपोत्सव 2019 कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी है। शनिवार को दीपोत्सव की तैयारियों का जायजा लेने प्रदेश के प्रमुख सचिव पर्यटन व संस्कृति जितेंद्र कुमार अयोध्या पहुंचे। जितेंद्र कुमार ने राम की पैड़ी तुलसी उद्यान व राम कथा पार्क का निरीक्षण किया और सभी कार्यदायी संस्थाओं को निर्देश दिया कि वे 30 सितंबर तक सारे कार्य पूरे कर लें। मीडिया से बातचीत करते हुए प्रमुख सचिव जितेंद्र कुमार ने कहा कि राम की पैड़ी पर कई विभाग काम कर रहे हैं, निर्माण निगम काम कर रहा है, PCL कर रहा है, सिंचाई विभाग काम कर रहा है। इन सभी विभागों में आपस में तालमेल ना होने के कारण कैलेंडर आगे पीछे हो रहा है। सभी बताते हैं कि इस डेट को कर लेंगे या इस डेट को कर लेंगे, लेकिन काम अभी भी पूरा नहीं हो पा रहा है। प्रत्येक दिन कितने मजदूर लगने चाहिए उसके हिसाब से कैलेंडर तैयार कराया जाएगा ताकि सभी विभाग आपस में तालमेल मिलाकर कार्य को अंजाम दे सके। अयोध्या से अश्विनी सोनकर की रिपोर्ट। यहाँ पे कई विभाग एक साथ काम कर रहे हैं, निर्माण निगम काम कर रहा है, PCL कर रहा है, सिंचाई विभाग कर रहा है, तो उनमें आपस के कोऑर्डिनेशन की वजह से कैलेंडर आगे पीछे हो रहा है। सब बताते हैं इस डेट को हम कर लेंगे, लेकिन अब उसको कैसे एग्जैक्टली कराएंगे, हर दिन में कितने लेबर लगने चाहिए उसके हिसाब से अभी कैलेंडर तैयार करवाएंगे बैठ करके। इसीलिए पहले इस फील्ड पे आए, फिर यहाँ से बैठेंगे हम लोग, अभी जा करके सबको इकट्ठा बुलाएंगे। जो बचा हुआ डेट है उसको हम पीछे से काउंट करते हुए और उसको कितने ह्यूमन डेज में, कितने मानव दिवस में उस काम को पूरा कर सकते हैं, कितने लोग इनके लगे हुए हैं, उसको कितना ऑगमेंट करने की ज़रूरत है, कितना बढ़ाने की ज़रूरत है, इस पर वर्कआउट करेंगे। काम तो हम पूरा कराएंगे, ये सरकार का कमिटमेंट है। दीपोत्सव के पहले जो तमाम तैयारी थी, जैसे अविरल धारा की बात की जाए या जो एक राम दरबार की बात आ रही है रामकथा पार्क में, वो काम भी मुमकिन है कि संभव पूरा हो पाए? अभी वहाँ पे भी जाएंगे, रामकथा पार्क भी जा रहे हैं, उसके भी टाइम लाइन तय कराएंगे। कोशिश करेंगे कि जितने काम हो सकते हैं मैक्सिमम काम पूरे कराएं। सर, दीपोत्सव में खास क्या रहेगा? पिछले बार जो हमने दिए जलाए थे उससे अधिक दिए जलाएंगे। एक तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड इसका रहेगा, उसके अलावा आपके पूरे शहर में हम, जैसे आपने महाकुंभ में देखा कि प्रयाग में कम से कम 30-40 जगह पर पूरे शहर में कल्चरल फेस्टिवल हो रहा था, उसी तरह मथुरा में भी कृष्णोत्सव में हमने पूरे मथुरा और पूरे वृंदावन में कल्चरल फेस्टिवल कराया था, उसी तरह से पूरे अयोध्या शहर में अलग अलग जगहों पे साइट चुन करके उन सब जगहों पे फोक आर्टिस्ट के प्रोग्राम होंगे ताकि पूरा शहर उत्सव को मनाए, न कि सिर्फ एक या दो जगह पे ये प्रोग्राम हो। एक दो जगह तो मेन प्रोग्राम होगा, उसको हब बनाते हुए पूरे शहर में हम लोग प्रोग्राम करेंगे। अयोध्या की सुंदरता को लेकर जिस तरह से काम किया जा रहा है, लेकिन वही एक गेट है जो अयोध्या के काफी दिनों से पड़ा हुआ है, उसको किस प्रकार से देखा जाएगा? उसका भी अभी हम लोगों ने साथ में इंस्पेक्शन किया है कि उस गेट की वजह से क्या परेशानी यहाँ पे आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे सड़क बहुत चौड़ा हो रहा है और ट्रैफिक बॉटलनेक वहाँ पे उस गेट की वजह से क्रिएट हो रहा है, तो उसकी एक रिपोर्ट बना करके कंबाइंड ये लोग देंगे, तो उस पर निर्णय ले करके हो सकता है उस गेट को शिफ्ट करने या हटाने की जरूरत पड़े, तो उस पर सक्षम स्तर से निर्णय करा लेंगे। दीपोत्सव के दौरान जो है भगवान राम और सीता के जो स्वरूप बनाए जाते हैं हेलीकॉप्टर से लाए जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हर बार को कुछ ना कुछ विवाद रहा है इसको लेकर। पिछली बार चाहे एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, पिछली बार जहाँ पे एक प्रतियोगिता की गई थी कुछ लोगों ने उसका विरोध भी किया था कि, लेकिन इस बार किस प्रकार से स्वरूप कहाँ से लाया जाएगा, क्यों क्या विवाद रहा है, मुझे तो पता नहीं क्या जानकारी। यहाँ पे प्रतियोगिता कराई गई थी, उसमें बताया गया था कि कुछ लोगों को जो उसमें प्रथम आएगा उनको उत्सव किया जाएगा, लेकिन बाहर से लाने के बाद कुछ लोगों ने उस पर विरोध भी किया था। देखिए, वो एक अलग चीज़ है जो बाहर से लेकर के आते हैं, वो तो एक होता है कि हम लार्जर देन लाइफ इवेंट क्रिएट करते हैं। आप सिनेमा देखने क्यों जाते हो? आप नाटक भी देखते हैं, ड्रामा भी देखते हैं, सिनेमा भी देखते हैं, हर चीज़ का स्तर अलग अलग है। जब हम कुछ बड़ा करते हैं तो वहाँ पे बड़े स्वरूप को लेकर के आते हैं, जो प्रोफेशनली उसके लिए तैयार ग्रुप आर्टिस्ट हैं उनको लेकर के आते हैं, और जो फोक हैं उनका फोक का लेवल होता है, तो इसके दोनों के अलग अलग अपीयरेंस अलग हैं, दोनों के लेवल अलग हैं। अगर जो लोग विरोध कर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम क्यों विरोध कर रहे हैं, अगर कोई विरोध कर रहे हैं तो उनको समझाया जाएगा। तैयारी कब तक पूरी कर ली जाएंगी? तैयारी हम बिल्कुल टाइम से पूरा करेंगे, आप लोग देखेंगे। दीपोत्सव के दौरान प्रमुख जो विदेशी मेहमान होंगे कौन कौन होंगे? अभी इस पे हम वर्कआउट कर रहे हैं, प्रयास ये है क्या कि पूरे भारत के सभी राज्यों के पर्यटन मंत्रियों को बुलाया जाए
विदेशी मेहमान कौन होंगे ये अभी फाइनल नहीं हुआ, इस पे विदेश मंत्रालय से बातचीत हो रही है। सर, अयोध्या के जो प्रमुख मंदिर हैं जो मेन रोड पे, उनको भी रंगने की तैयारी, क्या ऐसा कुछ चल रहा है कि एक रंग में रंगना जाए? वो अभी उस पे ऐसा विचार नहीं, वो अगर होगा तो दीर्घ प्लान, मास्टर प्लान का पार्ट होगा।